अपनी राय व्यक्त करना और खुद को अभिव्यक्त करना इस देश के सभी नागरिकों का मूलभूत अधिकार है सोशल मीडिया के युग में जन्मे हम युवा अपनी राय व्यक्त करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते सोशल प्लेटफॉर्म पर या किसी के भी सामने मगर कई बार अपनी राय व्यक्त करते हुए हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं या हमारी बातों से दूसरे लोग आहत हो सकते हैं ऐसी स्थिति में एक युवा को सोशल मीडिया के माध्यम का किस तरह संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना और अपना मत व्यक्त करना चाहिए ताकि किसी को चोट ना पहुंचे देखिए एक महत्वपूर्ण बात मैं ट्विटर के लोगों से भी कह रहा था और कल मेरे ख्याल से उन्होंने ये ट्वीट भी किया क्योंकि मैंने परसों इस बारे में बोला था देखिए अब ये 280 अक्षर हो गया है एक नहीं, 280 में अक्षरों में दुनिया के कुछ नेता देश की नीति तक व्यक्त कर रहे हैं ठीक है वो विदेश नीति एजेंडा भी तय कर रहे हैं कुछ बड़े देश 280 अक्षरों में ट्विटर में तो मैं इन ट्विटर के लोगों से कह रहा था देखिए, सिर्फ गिनती के लिए आप लोग क्या खो रहे हैं आप जबरदस्त चीजें खो रहे हैं कल पूरी दुनिया ट्विटर पर अपना एजेंडा और नीति तय कर सकती है मगर ऐसा नहीं होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि सात अरब लोगों के लिए आपके पास पंद्रह अरब अकाउंट है क्योंकि उनमें से ज्यादातर नकली हैं। जिन लोगों के पास अपना नाम लेकर यह कहने का साहस नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे लोग चोर हैं ये कोई राय नहीं है है ना युवाओं को यह जरूर करना चाहिए आप जो चाहे कह सकते हैं मगर आपके पास खड़े होकर यह कहने का साहस होना चाहिए कि मैं ये कहना चाहता हूं ये नहीं कि कुर्सी के नीचे छिपकर चिल्लाकर कोई बात कहें ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है ऐसे अस्तित्व का क्या मतलब है इज इट नॉट इम्पोर्टेंट दैट वट एवर यू सेबल फॉर इट क्या यह जरूरी नहीं है कि आप जो कुछ भी कहें आप उसके लिए जिम्मेदार हों वो सभी लोग जो झूठे फेसबुक अकाउंट ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं उन्हें बंद कीजिए वहां अपना नाम लिखिए ये मैं हूं और मुझे ये कहना है आप इसे पसंद करें या ना करें अगर आपको पसंद नहीं आया तो कृपया मुझे बताइए मैं उस पर गौर करूंगा हाँ अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे समझाइए कि आपको ये पसंद क्यों नहीं आया फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा मगर आप अपना नाम तक नहीं देना चाहते लेकिन दुनिया भर में अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं नहीं आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है सिर्फ इसलिए कि आपके पास तकनीकी उपकरण है मैं इस बोर्ड के पीछे खड़े होकर आप पर कुछ चिल्ला नहीं सकता अगर मैं कुछ कहना चाहता हूं तो मुझे वो आपके सामने कहना चाहिए है ना जब तक लोग जिम्मेदार नहीं होंगे जिम्मेदारी के बिना आप हर किसी के जीवन पर हक नहीं जमा सकते मेरा आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपके जीवन और कार्यों के बारे में कुछ भी कह दूं अगर मैं कहना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी अगर ऐसा हो तो हर कोई अपनी बात कह सकता है आप इसके बारे में बोल रहे थे कि अगर उससे किसी को चोट पहुंचे देखिए इसे समझते हैं बोलना संवाद बोलना संवाद है किनके बीच संवाद दो लोगों के बीच है कि नहीं लोगों के दो समूह या दो व्यक्तियों के बीच या ऐसा कुछ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं जो भी कहना चाहता हूं वो कह सकूं क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं आपके नजरिए का सम्मान करूं और आप जो कहें उसे सुनने के लिए तैयार रहूं और फिर पूरी मजबूती से अपनी बात रखूं मैं बहुत मजबूती से कहूंगा देखिए मुझे मैं जो कहूंगा उसे बहुत मजबूती के साथ कहूंगा मगर मैं आपकी बात सुनना तक नहीं चाहता यह नहीं चलेगा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता मगर फिलहाल सोशल मीडिया ने यही माध्यम लोगों को दिया है कि वो जो चाहे कह सकते हैं और उन्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है अगर आप कुछ कहेंगे तो वो आपको गालियां देंगे गाली भी भाषा है है कि नहीं क्या मैं उसे अभी आपके लिए इस्तेमाल करूं आप चाहते हैं क्या आप किसी से गाली खाना चाहते हैं अगर आप गालियां नहीं खाना चाहते तो आपको समझना चाहिए कि दूसरा भी गालियां नहीं खाना चाहता